भुरकुंडा में हजारीबाग लोकसभा के सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया भव्य स्वागत। भुरकुंडा छठ मंदिर स्थित महायज्ञ के भूमि पूजन में भी हुए शामिल। रामगढ़ जिला के भुरकुंडा में हजारीबाग लोकसभा के सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल को बनाए जाने पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भव्य स्वागत किया। स्वागत भुरकुंडा मंडल अध्यक्ष सतीश मोहन मिश्रा के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें कि भुरकुंडा बाजार, संकट मोचन मंदिर सहित इत्यादि चौक चौराहों पर लोकसभा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी का भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं नवनियुक्त लोकसभा सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने कहा, लोकसभा क्षेत्र का विकास करना, जनता का हर समस्या का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ इस भाजपा का 400 लक्ष्य पार होगा। आज भुरकुंडा मंडल दौरा करने के दौरान सांसद प्रत्याशी भुरकुंडा छठ मंदिर स्थित महायज्ञ के भूमि पूजन में भी शामिल हुए। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं आज, तो रांची से हजारीबाग जाने के क्रम में इसी रास्ते से जा रहे हैं। अब शेड्यूल दौरा एक दो दिन में चालू होगा। कितना सीट से आप जीतेंगे केंद्र में, कितना सीट लेके आएंगे? देखिए, भाजपा का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, इस बार एनडीए को 400 के पार मिलना है। तो उस 400 में एक हजारीबाग भी होगा, ये निश्चित करना है। मुद्दा क्या लेके आएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा, विकास डेवलपमेंट, और उसी में सारे मुद्दे पे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।